नमस्कार, मैं हूं अनु जैन रोहतगी और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। कोरोना वायरस से तमाम तरह की प्रॉब्लम तो आ ही रही हैं, लेकिन समस्याएं हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर के जो केसेस हैं, यानी मानसिक बीमारियां हैं, वो भी लोगों में दिखनी शुरू हो गई हैं। लोग इसका शिकार बन रहे हैं और ये सच में चिंता की बात है। 21 दिन तक लोग घरों में हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो न्यूज वो देख रहे हैं, ऐसे में डिप्रेशन का होना, एंजाइटी का होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि समय रहते हुए इस समस्या को एड्रेस कर लिया जाए तो ये बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है और जिससे आप बच सकते हैं। और आज न्यूज नशा में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे छोटी छोटी टिप्स जिससे आप एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, तमाम तरह की मानसिक परेशानियों से बच सकते हैं। हमारे साथ है पूजा शिवम जेटली, जो दिल्ली के एरिस्टन अस्पताल में सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। थैंक यू। तो डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि 21 दिन का जो लॉकडाउन है, जो शुरुआत हो गई है, कुछ ही दिन हुए हैं, क्या आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो कुछ डिप्रेस रहने लगे हैं, जिनको डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, और कौन कौन है ये लोग, उनकी उम्र क्या है, क्या वो प्रोफेशनल है, क्या इनमें हाउसवाइफ भी है, क्या बच्चे भी हैं, और क्या बड़े जो है, जो बड़ी उम्र के हैं, क्या उनको भी कोरोना का खतरा सता रहा है? जी डॉक्टर, जिस तरीके का माहौल आजकल चल रहा है, उसमें हर उम्र के लोग इस तरीके से इस कोरोना वायरस के इफेक्ट से मानसिक रूप से पीड़ित हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो मिडिल एजड हों, चाहे वो बूढ़े हों, और सबकी अपनी अपनी अलग परेशानियां हैं। पर ऐसा कोई नहीं है कि जिसको कि इससे परेशानी मानसिक रूप पर ना हो रही हो, चाहे वो कोरोना से ग्रस्त हो या ना हो, पर माहौल का जो प्रभाव है वो इस सब पे पड़ रहा है। अब डॉक्टर, अहम सवाल ये भी उठता है कि कौन जो इनको कौन सी ऐसी परेशानियां हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोग उदास रह रहे हैं, उनको डर लग रहा है, क्योंकि सबकी जो परेशानियां होंगी, जो कारण होंगे, वो अलग अलग होंगे। हाउसवाइफ का कारण अलग हो सकता है, जो वर्किंग क्लास है उनका कारण अलग होगा। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो सोशल कारण हो, चाहे वो फाइनेंशियल कारण हो, या कोई और कारण हो? जी डॉक्टर, सबसे बड़ा कारण तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का है, क्योंकि पता नहीं है ये कब तक होगा, कैसा होगा। दूसरा, इतना न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो है कि लोग पूरे टाइम और कुछ करने को और है नहीं। आई मीन, वर्क फ्रॉम होम है, घर पे लोग काम कर रहे हैं, अपने घर का खुद का काम भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे टाइम ये एक एक, एक दुविधा बनी हुई है कि कहीं वायरस से मैं ग्रस्त तो नहीं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। बीमारी का डर भी है और साथ में ये भी है कि ये कब तक दौर चलेगा। तो मुख्य कारण जो है वो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी और एक तरीके से इस वायरस से ग्रस्त होने का है। लोगों की परेशानी और डर के कारण बहुत है। सबसे पहला कारण तो वायरस से ग्रस्त होने का है, क्योंकि इतनी सारी खबरें और न्यूज़ आ रही है और इतने सोर्सेस से कि पता नहीं है, ऐसा लगता है कि बाहर निकलेंगे और कहीं वायरस उन्हें ना छू जाए। दूसरा, तो जिनकी मानसिकता या जिनके अंदर थोड़ी सी भी एंग्जाइटी है बीमार पड़ने को लेकर के या परेशानी को लेकर के, वो उनकी ये मानसिकता और उभर के बाहर आ रही है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं लोगों में बहुत अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है, आगे समय कैसा रहेगा, कब तक का लॉकडाउन होगा, नौकरियां रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें भी लोगों की परेशानी और डर का कारण बने हुए हैं। इसके साथ एक और बहुत अहम कारण है कि जिन लोगों के अंदर ऑलरेडी रिलेशनशिप इशूज़ हैं या घर में दिक्कत है और वो बहुत सारा समय घर में एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, कोई भी हो, वो इस लॉकडाउन से इसलिए परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों की पुरानी दिक्कतें, परेशानियां, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इन सब कारणों की वजह से लोगों के अंदर डर और उदासी और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। जैसा कि डॉक्टर आपने बताया है कि जो लोग हैं सबसे ज्यादा परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको घर बैठने की आदत नहीं है, इंट्रैक्शन करने की आदत खत्म हो गई है, तो क्या क्या आप टिप्स देना चाहेंगे, छोटे छोटे टिप्स जो है क्या देना चाहेंगे कि जो लोग घर बैठे हैं, बिल्कुल लॉकडाउन होके बैठे हैं, क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे उन्हें कि वो डिप्रेशन से बचे, उनको उदासी ना घेरे, उनको डर ना लगे कोरोना से, क्या टिप्स देंगी आप? जी डॉक्टर,
ये जो इस समय समय है, इसको इससे जूझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी एक दिनचर्या को मेंटेन करें, एक रूटीन बना के रखें। घर में हैं, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी समय पे सोना, समय पे उठना, घर में काम करना, अपने अपने व्यवसाय से रिलेटेड जो भी काम है वो कर पाना, कुछ ना कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रोज़ परिवार के साथ करना, मे बी साथ में बैठ करके कोई बोर्ड गेम खेलना, कुछ चीज़ों में अपने आप को बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स हैं, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, लोगों के साथ अपने अपने परिजनों के साथ वीडियो कॉल पे बातचीत करिए ताकि एक संपर्क बना रहे, आपको अकेलापन महसूस ना हो। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते लेकिन बालकनी में खड़े होके बाहर कुदरत देख सकते हैं। एक्सरसाइज करिए जो आप घर में कर सकते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये सब चीज़ें अपनी दिनचर्या में बना के रखेंगे तो शायद इस समय से जूझना आपके लिए आसान होगा। एक बड़ी समस्या जो देखी जा रही है कि जो टीवी है, जो हमारे न्यूज चैनल है, जो अखबार है, तमाम जो है कोरोना से संबंधित खबरें बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। एंटरटेनमेंट जो है थोड़ा खत्म हो गया और लोग भी देख रहे हैं क्योंकि लोग भी जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा, कल क्या होने वाला है, कब वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसे में जब वो न्यूज देखें तो कैसे देखें, किन बातों का ध्यान रखें और न्यूज को किस तरह से लें? जी डॉक्टर, आज इस समय में हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, कुछ नहीं है, और इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज भी बहुत सारे हैं, टीवी है, फ़ोन है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, जिसकी वजह से, और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे नए नए रोज़ आंकड़े आ रहे हैं, नई नई रिसर्च के बारे में लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति जो है उस पर असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग पैनिक मोड में चले जा रहे हैं पढ़ने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो मेरी सलाह यही होगी लोगों से कि कम से कम न्यूज़ देखें, दिन अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ चैनल जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं या जो इंटरनेशनल WHO के सोर्सेज हैं वहाँ से जो न्यूज़ आ रही है उसको ऑथेंटिक मानते हुए उस पर आप ज़्यादा फोकस दें, रादर देन कि आपके व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आ रही है। और अपने घर वालों से, अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से संपर्क बनाए रहें, कोशिश करें कि आप न्यूज़ कोरोना के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस ना करें क्योंकि नेगेटिविटी उससे और ज़्यादा आपके अंदर उत्पन्न होगी। तो न्यूज़ कम से कम देखें और ऑथेंटिक सोर्स का यूज़ करें। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न बच्चों के लिए है, बच्चे की उम्र बहुत छोटी है, उनका दिमाग जो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, जो भी देखते हैं उनसे उनको ज्यादा डर लगता है, उसको वो उनको पता नहीं होता है कि वो क्या देख रहे हैं, उसका क्या अंजाम होगा, और बच्चों को रोका नहीं जा सकता है। जब आप न्यूज देखते हैं तो बच्चे भी न्यूज देखना शुरू कर देते हैं और तमाम तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो इस 21 दिन के लॉकडाउन में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए जो पेरेंट्स हैं, जो घर में लोग हैं, उनको कैसे संभालें, कैसे उनको एड्रेस करें, कैसे बताएं इसके बारे में? जी डॉक्टर, बच्चों का इस समय ध्यान रखना हर बड़े की जिम्मेदारी है। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ हम कर सकते हैं अगर हम अपने पे संयम बनाए रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब बड़े लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं या उदास होते हैं तो उसका असर सीधे बच्चों के ऊपर आता है। बच्चों के साथ, बच्चों को एंगेज करके रखें, आप वो एक्टिविटीज़ करें जो शायद आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में उनके साथ नहीं कर पाते हैं। उनके साथ बोर्ड गेम्स खेलें, उनके साथ आप क्राफ्ट करें, उनको अपने रोज़ की घर की दिनचर्या में इन्वॉल्व करें, पेड़ों में पानी दें, अगर आपके पास पेट है तो उसकी केयर में बच्चों को इन्वॉल्व करें, साथ में बैठ के उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि बच्चों और जो बच्चों के सवाल हैं उनके उन सवालों को जवाब दें जितने की आप दे सकते हैं, और कोशिश करें कि उनके सामने आप नेगेटिव न्यूज़ या कोरोना रिलेटेड अनप्लेजेंट न्यूज़ को अवॉइड करें। अहम बात यह भी है कि डॉक्टर, जो लोग पहले से ही डिप्रेशन का शिकार हैं, जो पहले से ही बीमार हैं, एंजाइटी है जिनको, जो दवाइयों पर हैं, जो बकायदा बीमार हैं, काफी लंबे समय से बीमार हैं, उनकी दवाइयां चल रही हैं, डेफिनेटली उनके जो केसेस हैं, ये जो मामले चल रहे हैं जो कोरोना के, उनकी जो उदासी है वो बढ़ रही होगी क्योंकि कुछ और नहीं कर रहे होंगे वो। तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगी, किस तरह से वो जो है अपनी बीमारी है उसको बढ़ने से बचाएं?
मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी कि ऑलरेडी यू नो उनके अंदर एंग्जाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और वो इस समय काफ़ी मुश्किल दौर से जूझ रहे हैं क्योंकि अपनी दिक्कतें उनकी बढ़ती चली जा रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय कि आप अपने मानसिक रोग चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से संपर्क बनाए रखें। बहुत से मेरे सहकर्मी हैं जो कि अपने पेशेंट्स के साथ ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके साथ संपर्क बनाए रखें, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सेशंस ऑनलाइन शेड्यूल करें, अपनी दिनचर्या बनाए रखें, जो भी आपके एंग्जाइटी या नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एक रिकॉर्ड करके रखें और उनका डिस्कशन अपने मनोवैज्ञानिक से या मानसिक रोग चिकित्सक से ज़रूर से करें। इसके साथ साथ एक रूटीन को मेंटेन करके रखें, पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा इन्वाइट करें, नेगेटिव न्यूज़ कोरोना रिलेटेड न्यूज़ से थोड़ा दूर ही रहें ये लोग तो बेहतर रहेगा। अपने परिजनों से आप संपर्क बनाए रखें, वीडियो कॉल करें, अकेले ना रहें। अगर कोई डर आता है तो हेजिटेट ना करें रीच आउट करने में। बहुत सी सरकार ने भी हेल्पलाइन शुरू करी हैं, बहुत से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि मानसिक रोग चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक चला रहे हैं जो कि अवेलेबल हैं ऑनलाइन और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो प्लीज़ उसका ज़रूर से आप उसको रीच आउट करें और अपने आप को सेफ रखें। और लास्टली डॉक्टर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसा मैसेज जो लोगों को इस माहौल में एक संजीवनी बूटी की तरह जिस काम करें और लोग समझें कि अगर वो मैसेज पर ध्यान रखेंगे तो उनका जो टाइम है ये 21 दिन का लॉकडाउन है बड़े आराम से निकलेगा और वो मानसिक बीमारियों का शिकार नहीं बनेंगे। मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि इस दौर से गुजरने के लिए पॉजिटिविटी ही सबसे बड़ा तोड़ है। आप एक अपने लिए एक डायरी ऑफ ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुलनेस बनाएं, रोज़ उसमें एक बात लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आप थैंकफुल हैं, वो कोई भी बात हो सकती है। जब आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो आप इस मुश्किल दौर से ज़रूर से निकल पाएंगे। ये फोकस रखें कि आपके हाथ में क्या है। देखिए, जब एंग्जाइटी होती है, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हम जूझ रहे होते हैं मुश्किलों से और हमें पता नहीं होता है कि कहाँ हम पहुँचेंगे, तो उस समय सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। सिर्फ उस पर फोकस रखें, अपने आप को सेफ रखें, अपने लिए अपने परिजनों के साथ संपर्क बनाए रखें, वो चीज़ें करें, एक हॉबी अपने लिए पकड़ लें जो कि आप शायद नॉर्मल ज़िंदगी में नॉर्मल हालात में नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको परेशान करती थी, यूज़ दिस टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन दोज, किस तरीके से आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। और आई थिंक अगर आप एक ये ग्रेटफुलनेस या ग्रैटिट्यूड की डायरी मेंटेन करेंगे तो उसको रोज़ पढ़ने में ही आपको आनंद आएगा और आप इस कोरोना की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के साथ डील कर पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो उम्मीद है व्यूअर्स, हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और डॉक्टर ने आपको तमाम तरह के टिप्स दी है कि किस तरह से आप मानसिक जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बच सकते हैं। अपने 21 दिन को जो है छोटी छोटी टिप्स उन्होंने दी है किस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। और यकीन जानिए, जो समय आपको मिला है वो जिंदगी में शायद दोबारा ना मिले, और हमारी तो कामना यह है कि मिलना भी नहीं चाहिए, ऐसी परिस्थितियां ना बने कि हमें घर में बैठना पड़े। लेकिन अब आपको ये समय मिल गया है तो इस समय का खुलकर आप उपयोग कीजिए, खुलकर अपने जो आपके जो शौक हैं उनको पूरा कीजिए, खुलकर अपने रिश्तेदारों दोस्तों से बात कीजिए, खुलकर हंसिए। और ये सही समय है, अपने गिले शिकवे जो है उनको दूर कीजिए, रूठे हुए दोस्तों रिश्तेदारों को मनाइए। आपसे कोई गलती हो गई है, आपसे कोई भूल हो गई है तो उसका प्रायश्चित कीजिए, आप सॉरी बोलिए, ये आपको बेस्ट टाइम मिला है। तो 21 दिन का लॉकडाउन आपके पास है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इंजॉय कीजिए, अपनी परेशानियां दूर कीजिए और समझिए कि एक अच्छा टाइम दोबारा आएगा, हम कोरोना से लड़कर वापस अपनी जिंदगी में लौटेंगे, अपने काम में लौटेंगे। और उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।